प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम गति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्थिति समय आलेख। स्थिति समय आलेख, स्थिति समय ग्राफ भी इसको बोल देते हैं, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ या कई बार इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ओके, कई बार इसको शॉर्टकट में एक्सटी ग्राफ या एसटी ग्राफ, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को एक्स से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं। तो पोजीशन टाइम, टी फॉर टाइम, ओके, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी फॉर टाइम। तो ये इसके विभिन्न नाम हैं स्थिति समय आलेख के। तो स्थिति समय आलेख हम अभी डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के मोशन के लिए। सबसे पहले जो गति हम बात करते हैं या फिर हम विराम अवस्था से स्टार्ट करते हैं कि जब कण विराम अवस्था में हो, जब कण विराम अवस्था में हो तब जो स्थिति समय ग्राफ होगा, स्थिति समय ग्राफ होगा या आलेख जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो कैसा होगा। अब सोचने वाली बात है कि जैसे एक कण विराम अवस्था में है तो इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसकी जो दूरी है वो फिक्स है, ठीक। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट स्थिति समय, तो ग्राफ में हम दो एक्सिस लेंगे, जो एक्स एक्सिस है उस पर हम समय ले लेते हैं और वाई एक्सिस है उसको हम स्थिति कह देते हैं, ठीक। अब जैसे ये वस्तु है या कोई भी पार्टिकल है, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ से हम इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और मान लेते हैं कि एक बार रफली ये 3 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। अब जो टाइम 0 है तब भी 3 मीटर पे है। अब क्योंकि वस्तु स्थिर अवस्था में है, टाइम 1 सेकंड है तो भी 3 मीटर रहेगा, 10 सेकंड है तो भी 3 मीटर रहेगा। यानी जब टाइम 0 है तब भी डिस्टेंस 1, 2, 3 मान ली 3 मीटर रहा, जब टाइम 1 यूनिट है तो भी 3 मीटर, 2 यूनिट है तब भी 3 मीटर, और जब मान लीजिए 10 सेकंड है तब भी ये डिस्टेंस क्या रहेगा, 3 मीटर ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समय एक्स के समांतर जो है ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिखेंगे, यहाँ पर ये 3 मीटर वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ऐसा आपने नोट्स में कुछ नहीं लिखना, ठीक। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिखेंगे कि जब कोई कण विराम अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में अगर हम स्थिति समय आलेख खींचते हैं तो यह आलेख या यह ग्राफ समय एक्स के समांतर एक सीधी रेखा होगी, समय एक्स के समांतर एक सीधी रेखा होगी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जो मैंने बोला है वो मैं आपको नोट्स में से और दिखा देता हूँ, बिल्कुल कवर हो जाएगा आपको। देखिए गति का आलेख निरूपण और स्थिति समय आलेख की हम बात कर रहे हैं कि गतिशील वस्तु के विभिन्न क्षणों में स्थिति और उसके संगत समय के मध्य खींचा गया आलेख स्थिति समय आलेख कहलाता है। और जब कण विराम अवस्था में हो तो विस्थापन समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ समय एक्स के समांतर एक सीधी रेखा होगी जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, बस आपने इतना ही लिखना है, ओके। और ये याद रखना है कि विराम अवस्था में समय एक्स के समांतर, ओके। अब हम बात करते हैं स्थिति समय आलेख जब कण एक समान वेग से गतिमान हो, यानी उसका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, ऐसी स्थिति में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक अक्ष क्या लेते हैं, समय एक्स लेते हैं, और दूसरा अक्ष जो है इसकी स्थिति, स्थिति को आप
ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम एक समान चाल की बात करते हैं तो एक समान चाल क्या होती है, एक बार इसकी परिभाषा पर वापस जाते हैं कि इसमें बराबर समय में, बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय की जाती है। मान लीजिए कि पहले सेकंड में बॉडी जो है 2 मीटर की दूरी तय करती है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, यानी बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय करती है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है, यहीं से हम दूरी मापना शुरू करते हैं, यहीं से समय मापना शुरू करते हैं। तो जब इसी हिसाब से जब टाइम 0 सेकंड है, जब समय 0 सेकंड है तो विस्थापन भी कितना है, 0 है। जब 1 सेकंड हो गया तो विस्थापन कितना हो गया, 1 सेकंड में विस्थापन हो गया 2। ठीक, जब समय 2 सेकंड है तो विस्थापन 2 और 2 4, बॉडी देखो यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए तो 4 मीटर हो गया। तो जब 2 सेकंड है तो ये विस्थापन हो गया 4। जैसे यहाँ पर मैं एक बार रफली ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसा। जब समय 1 सेकंड है तो विस्थापन 2 मीटर, जब समय 2 सेकंड है तो विस्थापन 2 + 2 4, विस्थापन 3 है तो 6, ओके 4 है तो 8। इसी तरह से अगर हम इन सभी को पॉइंट्स को मिला दें तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप यहाँ पर एक रफली एक टेबल भी ड्रा कर सकते हो कि यहाँ पर समय है, यहाँ पर विस्थापन है, समय जब 0 है तो विस्थापन 0, समय जब 1 सेकंड है तो विस्थापन 2, समय 2 है तो विस्थापन 4, समय 3 है तो विस्थापन 6, समय 4 है तो विस्थापन 8, और इसके लिए एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको फिर मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 वगैरह जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, 2 4 6 8 जो आंकड़े लिखे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। आपको सिर्फ ग्राफ की शेप समझ आनी चाहिए कि यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा। हम ये कहेंगे कि उसका स्थिति समय ग्राफ समय एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। इसका ग्राफ समय एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ओके, तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि कई बार क्या होता है कि हम पोजीशन मापना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है यहाँ से, और समय मापना शुरू करते हैं जब वस्तु यहाँ पर, मान लीजिए टाइम 0 है तो वस्तु यहाँ पड़ी है, पोजीशन आपने मापी यहाँ से, तो यहाँ से ऑलरेडी मान लीजिए कि ये 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो इसकी अगर मैं टेबल बनाऊँ तो समय जब ज़ीरो है तो एस कितना है, एस पहले ही 5 पड़ा है। ठीक, और समय जब 1 सेकंड है तो 5 + 2 = 7, 2 सेकंड है तो 7 + 2 = 9, 3 सेकंड है तो 11। ठीक, अगर ऐसी स्थिति है तो जो स्थिति समय ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा कि 2 4 5, तो यहाँ जब समय 0 है तो स्थिति पहले से 5 है और आगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा ही। ठीक, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से भी आ सकता है। ओके, तो देखिए कि समान वेग से गतिमान कण में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, इसलिए समान वेग से गतिमान कण के लिए विस्थापन समय ग्राफ समय एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ओके, अब जो विस्थापन समय ग्राफ है उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि विस्थापन समय ग्राफ से आप वेग ज्ञात कर सकते हैं वस्तु का, कैसे वह भी बताता हूँ। तो देखिए, अब सीखते हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन समय आलेख से हम वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ जैसे अभी मैंने आपको ड्रा करना सिखाया, ठीक, कि ये समय आलेख है, सॉरी समय एक्स है और ये
स्थिति, ओके। और ये मान लेते हैं कि समय और स्थान एक ही पॉइंट से मापना शुरू करते हैं, तो इसका ग्राफ जो है समय एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी, ओके। तो अब देखिए कि मान लेते हैं कि कोई समय टी वन है, कोई समय टी वन है, तो टी वन पर जो है विस्थापन कितना होगा, वो इस ग्राफ से हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा किया और फिर यहाँ से इस अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक। तो यहाँ पर जो विस्थापन है मान लेते हैं एस वन है, और जब टाइम आगे बढ़ा और टाइम आ गया टी टू, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ टी टू, और टी टू टाइम पर जो विस्थापन है वो मैं मान के चलता हूँ कितना है, एस टू है। टी टू समय पर विस्थापन कितना है, एस टू। तो यहाँ से आपके पास एक त्रिभुज बन जाती है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट सी है। अब बी सी यानी बी सी ये कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक एस टू है और यहाँ से यहाँ तक एस वन है, तो ये कितना बच गया, एस टू माइनस एस वन, यानी पूरे में से इतना घटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये बचेगा एस टू माइनस एस वन के बराबर। ठीक उसी तरह से ए सी जो है वो किसके बराबर है, वो इस दूरी के बराबर है, यानी इस एक्स के इस पोर्शन के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक टी टू है, यहाँ से यहाँ तक टी वन है, तो पूरे टी टू में से टी वन माइनस करेंगे तो इतना इतना बचेगा, तो इसका मतलब जो ए सी है वो टी टू माइनस टी वन के बराबर है, ठीक। तो अब ये आपको पता है कि वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, ठीक। विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर, एस टू माइनस एस वन, और समय क्या हुआ, टी टू माइनस टी वन। अब इसका मतलब वेग जो है एस टू माइनस एस वन यानी बी सी, और टी टू माइनस टी वन यानी ए सी। अब बी सी बाई ए सी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, बी सी बाई ए सी क्या होता है, एक बार टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है लंब बटे आधार, ओके। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये एक सीधी रेखा की ढाल होती है, यानी यहाँ पर ग्राफ का ढाल होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु का जो वेग है वो उसके स्थिति समय ग्राफ का ढाल के बराबर होता है, ठीक। यानी या फिर हम ये कहें कि वेग बराबर टेंजेंट थीटा होता है, ओके। तो इस तरह से हम किसी ग्राफ का ढाल ज्ञात करके उस वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं, यानी किसी गतिमान वस्तु के एक्सटी ग्राफ का ढाल ज्ञात करके उस वस्तु की गति या वेग जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से कि ग्राफ जैसे मैंने पहले ड्रा किया था ऐसे ही है, यहाँ पर बी सी इस पोर्शन के बराबर और ये पोर्शन एस टू माइनस एस वन के बराबर, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, तो ये नीचे वाला पोर्शन टी टू माइनस टी वन के बराबर होती है, ये भी टी टू माइनस टी वन के बराबर हो जाता है, ठीक। अब वेग का सूत्र लिखा, ठीक। विस्थापन कितना हुआ इसमें, एस टू माइनस एस वन, और समय कितना लिया, टी टू माइनस टी वन, ठीक। अब एस टू माइनस एस वन किसके बराबर, बी सी के बराबर, टी टू माइनस टी वन किसके बराबर, ए सी के बराबर, यानी बी सी बाई ए सी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है, ठीक, ग्राफ का ढाल होता है, ओके। तो इस तरह से वेग जो है किसके बराबर आ जाता है, टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाता है। अब देखिए कि इसी बात पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए ये थीटा ज़ीरो हो जाता है, थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ जैसे अब तो ऐसे हैं, थीटा यहाँ बना हुआ है, ठीक,
और ये मान लीजिए कि ग्राफ कुछ हम ऐसे बना दें, ठीक। अब अगर ऐसे ग्राफ बना दिया तो थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी अगर समय एक्स के समांतर अगर ग्राफ बनेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इधर विस्थापन है और इधर समय है और ग्राफ ऐसा होगा, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। थीटा जीरो डिग्री हो जाएगा तो इसका ढाल टेंजेंट जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये इस बात को वेरीफाई करता है कि जैसे हमने इस लेक्चर की शुरुआत ही यहाँ से की थी कि एक स्थिर वस्तु के लिए आपने ग्राफ ड्रा किया था, वो समय एक्स के समांतर आया था, ठीक। और यहाँ अब समय एक्स के समांतर ग्राफ खींच करके हमने देखा कि वस्तु का वेग क्या है, जीरो। वस्तु का वेग जीरो, इसका मतलब वस्तु स्थिर है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जैसे ग्राफ जो है 90 डिग्री तो कभी हो नहीं सकता, ये याद रखें, थीटा नेवर कैन बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। क्योंकि अगर 90 डिग्री हो जाता तो टी वन पे देखिए विस्थापन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और अनंत विस्थापन हम लेते नहीं हैं, ठीक। तो अब थीटा या तो 90 डिग्री से कुछ कम होगा या 90 डिग्री से कुछ अधिक होगा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक, यानी वो 90 डिग्री से ग्रेटर कब होगा, जब स्थिति समय ग्राफ कुछ ऐसा हो यूं, ठीक। ऐसी स्थिति में जो यानी ये जो एंगल बना रहे हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे, टाइम एक्सिस के साथ ही आप एंगल ले सकते हो, ठीक। ये ग्राफ, ये एंगल देखिए, ये कोण देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक, कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से थीटा बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। टेंजेंट थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेंजेंट थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो वेग जो है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। और इसकी तरह से अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, थीटा 90 से छोटा है, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा तो वेग भी वस्तु का पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी समरी बनाऊँ, तो अगर वेग शून्य है तो ग्राफ ऐसे, यहाँ विस्थापन और यहाँ समय, वेग शून्य तो ऐसे, वेग पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे, और वेग नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ओके। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया है, मैंने यहाँ नोट्स में सारा साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। एक ये थोड़ा सा नोट्स में ये फिगर एक दूसरे के जगह लग गए हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे लग गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे लग गया, इसको ठीक कर लेना, यानी ये दोनों फिगर एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेना ही, ठीक है। और जब मैं नोट्स अपडेट करूँगा तब ये अपने आप ठीक कर दूँगा इसको। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम जैसे अभी इसी लेक्चर में हमने स्थिति समय ग्राफ डिस्कस किया था, अगले में हम वेग समय ग्राफ डिस्कस करेंगे, और वेग समय ग्राफ स्थिति समय ग्राफ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगला लेक्चर आप मिस मत करें। और मेरे नोट्स क्विज वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप मेरी ऐप, मोबाइल ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें, ऐप का नाम सुरेश लेक्चरर है, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, और या फिर आप प्ले स्टोर पर जा कर के सिंपल सुरेश लेक्चरर लिखिए, आपको जो है जैसा स्क्रीन पे मैंने दिखाया है ऐसा लोगो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक। वहाँ से आप डाउनलोड करके ऐप को और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं, और नज़दीकी भविष्य में आपको इस ऐप पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।